Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to e-learning Rising Shine School, Grade 9 Chemistry course. I'm your chemistry teacher Faraz Anjum. Today we will discuss Chapter 2, Chemical Combination, for this textbook, page number 17 till 21. Learning objectives. After this lesson, students will be able to describe the atomic mass, chemical formula, empirical formula, molecular formula, molecular mass, and formula mass, and the mole and its calculation. Okay, let us start with the atomic mass. Atomic mass is known as taken as the average mass of natural mixture of isotopes, which is compared to the mass of one atom of carbon-12 AMU. Simple comparison is, जैसे carbon 12 को अगर हम किसी भी दूसरे के साथ compare करवाएं किसी और element के साथ, जैसे carbon के अलावा hydrogen हो गया, sodium हो गया, किसी और के साथ कि वो कितना इससे भारी है या हल्का है, तो उसका हम उसके जरिए एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं. ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था. ठीक, इसका बिल्कुल प्रोसीजर डिफरेंट है. लैब के अंदर इसको मालूम करते हैं. ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट प्रोसीजर के तहत. अच्छा जी, अब ये याद रखने वाली बात ये है कि ये क्या चीज़ है, नेचुरल मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स. जहन में रखिएगा कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास हैं वो एक से ज़ायद शक्ल में पाए जाते हैं, एक से ज़ायद हालत में पाए जाते हैं, एक से ज़ायद एटम के फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स. ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये कार्बन के मैंने दिखाए हुए हैं तीन आइसोटोप्स. आइसोटोप होते क्या हैं पहले ये सुन लें. आइसोटोप होते हैं कि किसी भी एलिमेंट के, एक एलिमेंट की बात करूँ, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के डिफरेंट एटम, मुख्तलिफ एटम, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की तादाद तो बराबर हो, सब में एक जैसी हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइसोटोप. जैसे कि ये तीन आइसोटोप नजर आ रहे हैं, इसमें देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब में छः छः हैं, एक जैसे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद इसके अंदर छः हैं, इसमें सात हैं और इसमें आठ है, तो न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो गई. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. अब ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थर्ड चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखें कि ये तीनों आइसोटोप्स के हम मासेस लें, इनका एवरेज निकालें. एवरेज निकालने के बाद जो चीज़ हमें रिजल्ट देगी वो उसका एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा. जैसे कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 12.011 AMU है. ठीक है, अब AMU क्या है, ये एक यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो ये बनती कुछ इस तरह के, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के 1/12, 1/12 का जितना भी मास बनेगा, ठीक है, उस वो एक एटॉमिक मास यूनिट होगा. इस मिसाल दे दूँ आपको, सपोज आपने कार्बन 12 लिया, उसका वजन किया, अब उसके 12 टुकड़े किए, उसका जो एक टुकड़ा होगा वो किसके बराबर होगा, AMU के बराबर होगा. ठीक है, तो एटॉमिक मास होपफुली आपको समझ आ गया होगा. अच्छा, अब हम देखते हैं फार्मूला. फार्मूला क्या चीज़ होता है, फार्मूला इज अ कम्बिनेशन ऑफ अ सिंबल. ठीक है, एक सिंबल का कम्बिनेशन है फॉर एटम्स और आइंस, आइंस और एटम के लिए, that are held together, जो आपस में जुड़े हों in a chemical compound, किसी भी compound के अंदर, किसी भी compound में atom और ion जो जुड़े होते हैं उसके symbol का जो combination होता है वो formula कहलाता है. जैसे एक compound लेते हैं हम benzene, benzene का formula क्या है, C6H6, तो हमें पता लगा इसमें दो चीज़ें मौजूद हैं, atom कौन से हैं, carbon का और hydrogen के, और कितने हैं, 6, 6, तो इसकी जो combination का हम जाहिर करेगा वो इसका क्या कहलाएगा, formula. ठीक है, पानी का फार्मूला जैसे H2O है, नमक का फार्मूला NaCl आपने पढ़ा होगा. अच्छा, अब हम यहाँ पे दो तरह के फार्मूले डिस्कस करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो स्टार्ट करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, दैट गिव्स द ओनली रिलेटिव नंबर, ध्यान में रखिएगा रिलेटिव नंबर, असल तादाद नहीं, रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. इन अदर वर्ड, द एम्पेरिकल फार्मूला डज नॉट नेसेसरली गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल. यानी किसी भी, सही, ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड के अंदर
एटम्स की असल तादाद को नहीं बताए, यानी असल तादाद क्या है, कार्बन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है। ये जो फार्मूला होगा ये एम्पेरिकल नहीं होगा, ये एक्चुअल फार्मूला होगा जिसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब रिलेटिव नंबर क्या होता है, रिलेटिव नंबर से मुराद है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कितना गुना कार्बन कितना लिया, उससे डबल लेना है, उससे 3 गुना ज़्यादा लेना है, उससे 4 टाइम ज़्यादा लेना है, ये सारी चीज़ें रिलेटिव कहलाती है, उससे रिलेट कर रहे हैं, उससे कंपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब ज़रा चेक करते हैं इसको हम कैसे इसका रिलेटिव निकालेंगे या सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। आपको रेशियो निकालने का तरीका पता है कि एक कोई भी डिवीजन जो हमारे पास मल्टीपल होता है उसको हम ले लेते हैं। तो अगर इन दोनों के अंदर हम क्या हम वो कर सकते हैं, 6/6 है, इसको डिवाइड करें, 6 × 6, 6 × 6, तो क्या आ गया हमारे पास 1:1 का सिंपल रेशियो हो गया, यानी इसको कैंसिल करें काटें तो किसे कटेगा ये 6 × 6 एंड 6 × 6, तो क्या चीज़ आ गया हमारे पास 1:1 का रेशियो, 1:1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या बना CH, यानी जितना हमने कार्बन लिया है उतने ही हम हाइड्रोजन लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन का बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब आ जाओ एम्पेरिकल फार्मूला, सही है, ये तो सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का देखते हैं, ग्लूकोज का असल फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसकी सिंपल फॉर्म बनाए 6 × 6, 6 × 12, 6 × 6, तो क्या बना 1:2:1, यानी ये 1 होगा यहाँ पर, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो क्या बना सी, सिर्फ सिंपल सी लिखा, एच आपको क्या बताया था 2 होगा, तो H2 हो गया, और ये हमारे पास 1 था, ये 1 हो गया, तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या बना CH2O। तो होपफुली एम्पेरिकल फार्मूला तरीका आगे कैसे बनाते हैं, यानी उसको सिंपलेस्ट सिंप्लीफाई करें रेशियो के हिसाब से, और जो भी सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा वो उसका आंसर होगा एम्पेरिकल फार्मूला का। मॉलिक्यूलर फार्मूला पे आ जाओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत आसान है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला डेफिनेशन इज द फार्मूला शोइंग द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कि मॉलिक्यूल में मौजूद हर एटम की असल तादाद को जो जाहिर करेगा वो उस क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला दिया हुआ है C6H12O6, यानी कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम शामिल हैं। नेक्स्ट आ जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होता क्या है पहले ये देखते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास वाली ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में, सही है, या किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी एटम मौजूद होते हैं, तमाम एटम्स का एटॉमिक मास को अगर हम कंबाइन करें, उसका सम निकालें, उसको ऐड करें, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सपोज हम करते हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या हुआ, CO2। अब वो क्या कहता है कि इसके अंदर जितने भी एटम मौजूद हैं उसका एटॉमिक मासिस का सम, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन के एटम कितने हैं, 1, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कार्बन लिखा इज इक्वल टू, कार्बन कितने हैं 1 है, तो 1 एटम, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, कहाँ से मिला, पीरियोडिक टेबल के अंदर ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, हर कार्बन के साथ, सॉरी हर एलिमेंट के साथ उसका एटॉमिक मास दिया होगा पीरियोडिक टेबल में, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो कार्बन कितना हो गया 12, कितने एटम है यहाँ पर मौजूद, 1, तो 12:1, 1, सॉरी 12 AMU। इसके बाद आ जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, सही है, तो 2 एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का 16, तो 2 × 16 = 32। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें पता लगा कि 12 AMU क्या है कार्बन है और 32 AMU क्या है ऑक्सीजन है। अब इनका सम लें, इनको जमा करें, जमा करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 44 AMU, तो 44 AMU हमारे पास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जरा इधर आ जाएं, एक और फार्मूला हमने दिया हुआ है N2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला, सोडियम के कितने एटम है 2, तो 2 × सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 46। फिर दूसरा एटम कौन सा है, कार्बन,
कार्बन लिया, कितने एटम है यहाँ पर, वन वन, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12, ठीक है, मल्टीप्लाई कराया, आंसर आया 12। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 3, 3 टाइम्स इसका एटॉमिक मास 16, एटम कितने हैं 3, सो 3 टाइम्स 16 कितना हो गया, 48, इन सबको प्लस किया, आंसर आया 106 AMU, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या सिंपल मॉलिक्यूलर मास होता है। तो होपफुली आपको कैलकुलेशन आ गई होगी कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। अब आ जाए फार्मूला मास, फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। अच्छा, जहन में याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर मास सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड का होगा, यानी जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। हम आपको आगे जाके बॉन्डिंग बताएंगे तो आपको पता लग जाएगा। सिंपल याद रखिए, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है, जबकि फार्मूला मास हम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड के लिए भी, यानी जैसे ये होता है हमारे पास NaCl, और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। अभी आपको टर्म नहीं समझ आ रही होगी कोवेलेंट और आयोनिक, अगले चैप्टरों में जाके हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको डिटेल से समझा दूंगा। अच्छा, NaCl हमारे पास एक नमक का फार्मूला है, आयोनिक कंपाउंड है। अब इसका लें, सोडियम कितने एटम नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, वन, सो वन एटम लिखा, मल्टीप्लाई कराया किससे, इसके एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास सोडियम के कितना होता है, 23, सो 23 टाइम्स वन इज इक्वल टू 23। क्लोराइड कितने हैं यहाँ पर, वन टाइम्स एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5, आपस में मल्टीप्लाई कराएं 35.5 वही आएगा, प्लस कराएं दोनों को 35.5 और 23 को, आंसर आया 58.5 AMU, और ये आपका फार्मूला मास हो गया। सेम वही तरीका है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है इसलिए इसको हम फार्मूला मास कह रहे हैं। अब आ जाओ मोलर मास, द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। सेम वही चीज़, सिर्फ आप अगर इसको ग्राम में जाहिर कर देंगे वो क्या चीज़ हो जाएगी, मोलर मास हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। आज इस तरह मोल, अ मोल कैन बी डिफाइन एज अ मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। वही चीज़, यानी अगर हम इनको ग्राम में जाहिर करेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एक मोल कहलाएगा, यानी वन मोल कार्बन कितना उसका होगा, 12 ग्राम का, सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू वन मोल, ठीक है। इसकी SI डेफिनेशन क्या है, अ मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स देयर आर एटम इज एक्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 12 AMU, ठीक है। हमारे पास उससे कंपेरिजन है 12 ग्राम का, वो हमारे पास एक मोल कहलाता है। सबसे आसान डेफिनेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, लास्ट वाली, इट इज ऑल्सो डिफाइन एज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू द इट्स एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास इन ग्राम। किसी भी कंपाउंड का, उसके सब्सटेंस का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को अगर हम ग्राम में जाहिर करेंगे वो उसके मोल कहलाएंगे। यानी अगर हम एटम लेते हैं कार्बन, पहले एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12, अगर हम ग्राम में जाहिर कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वन मोल हो जाएगा। तो वन मोल मैग्नीशियम कितना होता है, 24, वन मोल कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम, 12 क्या है, एटॉमिक मास, लेकिन किस में, ग्राम में, तो क्या बन गया, वन मोल। इसी तरह वन मोल मैग्नीशियम कितना हो गया, 24, 24 एटॉमिक मास है इसका। वाटर, वाटर का अगर हम जब मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एटॉमिक मास कितना होता है, 1 हाइड्रोजन का, तो 2 टाइम्स 1 2, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 एटॉमिक मास, ठीक है, सो 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास क्या बना, 18 ग्राम, तो 18 ग्राम हमारे पास क्या है, उसके मोल हैं, ठीक है। यानी एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में जाहिर करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, उसके इक्वल होगा 1 के, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन का तरीका बता दूँ, एक फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हैं, इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर एटॉमिक मास ऑफ फार्मूला मास, यानी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, यूँ कह सकते हो आप। ज़रा इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब ज़रा सवाल एक हम करते हैं, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ 25 ग्राम्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें सवाल में क्या दिया भाई, 25 ग्राम जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके मोलों की तादाद या मोल्स की मोल्स मालूम करने हैं, ज़रा चेक करते हैं। हमारे पास ग्राम, ग्राम किसका यूनिट होता है, मास का, जहन में रख लो, बिठा लो, तो 25 ग्राम्स मास दिया हुआ है,
मोलिकुलर मास, सॉरी मोलर मास हमने मालूम कर लिया इस फार्मूले के जरिए। तो Na कितने हैं एटम है यहाँ पर, वन, तो वन लिख दिया, कुछ नहीं होता तो वन लिखा होता, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, वन। कार्बन कितने हैं, वन। ऑक्सीजन कितने हैं, थ्री। अब इन सब के एटॉमिक मास मिल तरतीब लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ। सोडियम के एटॉमिक मास कितना था, 23। सो 23, वन 23 आ गया। हाइड्रोजन 1:1, वन आ गया। कार्बन कितने एटम है, वन, 1:2, एटॉमिक मास 12, आपस में प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया। ऑक्सीजन के कितने एटम है, थ्री, सो 3 × 16 मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ गया, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे, आंसर आ गया 84 ग्राम। तो ये हमारा मोलर मास आ गया। अच्छा फार्मूला क्या था, अब जहन में रखिएगा, मोल्स ओवर मास ओवर मोलर मास, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। सो मास कितना है, 25, तो 25 लिख दिया। मोलर मास कितना निकाला, 84। सो 84, 25 ओवर 84 कितना आ गया आंसर हमारे पास, 0.297 मोल। MOL लिखो, ये मोल का यूनिट बन जाएगा आंसर। अच्छा जी, अब आ जाएं दूसरे सवाल पे। यहाँ पर सपोज हमने दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर हमें मास मालूम करना है और मोल दिया हुआ है, तो डेटा बनाएं, मोल्स दिए हुए हैं, तो 0.5 मोल्स हो गया मोलर मास। सेम उसी तरह मोलर मास मालूम करेंगे फार्मूले के जरिए। सो कैल्शियम के कितने एटम हैं, वन। एटॉमिक मास होता है 40, पीरियोडिक टेबल से मालूम कर सकते हो। क्लोरीन यानी क्लोराइड का जो आयन है यहाँ पर, यहाँ पे कितने हैं, दो हैं। सो 2 टाइम्स एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। सो 40 × 1, 40, 35.5 × 2, 71, दोनों को ऐड करेंगे 111 ग्राम आ जाएगा। सो मोलर मास हमने मालूम किया कैल्शियम क्लोराइड का कितना हो गया, 111 ग्राम। फार्मूले में वैल्यू पुट करें, फार्मूला क्या था, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। जहन में रखिएगा, फार्मूला याद कर लेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। सो मास कितना है, हमने मालूम क्या करना है यहाँ पर, रिक्वायर्ड हमारे पास है यहाँ पर मास, क्या चीज़ मालूम करना है, मास। तो मास यहीं पे रहने दो, इज इक्वल टू मोल्स यहीं पे रहने दो, मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहाँ पर आके मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। मैथ का रूल किया हमने सिंपल, तो मोलर मास को उठाया यहाँ पर ले गया हमें, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास, मास इज इक्वल टू मोस टाइम्स मोलर मास। ये फार्मूला अरेंज किया हमने मास के लिए, वही फार्मूला, इसको बस अरेंज कर दिया। तो मोल्स की जगह उसकी वैल्यू लिखें 0.5, टाइम्स मोलर मास की जगह उसकी वैल्यू 111, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 55.5 ग्राम, ये आपका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आपने उसमें करने हैं, कॉपी पे भी। चलिए जी, अब आज के लिए आपका होमवर्क, केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 से 21 तक आज हमने किया है होमवर्क ग्रेड 8 के लिए। इन सबको जो भी हमने किया है इसको आपने कॉपी भी करें, फोल्डर पे ऑलरेडी अटैच है, और आपने ग्रेड 9 ने सारा काम याद करना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।